संचिता बैक टू माय चैनल सन स्टूडियो। बच्चों का छुट्टी हो गया, समर ब्रेक। लास्ट वीक ही सारा स्कूल बंद हो गया, तो हम लोग भी ब्रेक ले रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे जिसके बारे में अमित आपको डिटेल्स में बताएगा, लेकिन वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उसके बाद हम और जगह पे भी जाएंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में अमित बताएगा। अमित अभी ड्राइव कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू हेक्साम, इज इन नॉर्दर्नबर्लैंड, दैट्स अप इन नॉर्थ इन इंग्लैंड, एंड वी आर गोइंग देयर। इट्स अबाउट 7 to 8 hours ड्राइव फ्रॉम माय होम, एंड होपफुली द जर्नी विल बी फाइन बिकॉज द वेदर इज नाइस आउटसाइड, इज अराउंड 22-23, एंड वी हैव पैक्ड एवरीथिंग, इज फुल ऑफ स्टफ इन द कार। सो या, होपफुली वी विल एंजॉय द राइड टुडे। स्टे ट्यून्ड विद अस। और पीछे बैठा है अरिक। से हेलो अरिक। हेलो। एंड अरीना। हेलो। सब लोग बहुत एक्साइटेड है। बहुत दिनों के बाद एक लंबे छुट्टी पर हम लोग जा रहे हैं, सो होपफुली वी विल एंजॉय आवर हॉलीडे। फ्रेंड्स, वी आर ऑन द वे टू नॉर्दर्नबर्लैंड। अभी हम लोग सर्विस स्टेशन पे रुके हैं थोड़ा लंच करने के लिए। From here, it will be another couple of hours to Hexham, Northumberland, and we'll catch you there. You are such a good boy. तो अब हम हैं सर्विस स्टेशन के अंदर। यहाँ पे लंच करके हम लोग वापस जाएंगे। As Amit mentioned earlier, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटा ही लगेगा। I don't know the definition of why she's crying. तो अभी हम लोग लंच करके सर्विस स्टेशन से निकल गए हैं, कार पार्क की ओर जा रहे हैं। अब कार पार्क देख रहे हो, पूरा भरा हुआ है कार से। तो लास्ट वीक ही यहाँ का स्कूल हॉलीडे शुरू हुआ, लेकिन सब लोग बेचैन हो गए हॉलीडे जाने के लिए, सेम लाइक आस। स्पेशली दिस ईयर, लास्ट 2 साल लोग कहीं पे भी नहीं घूम सके, तो इस साल मेरे ख्याल से ज़्यादा रश होगा हर जगह पर। दिख रहा है हमारा डेस्टिनेशन, हम पहुंच गए हैं। ये मेनली एक कैंपिंग साइट ही है। आप देख रहे हो फील्ड में सारा कार, उसके साथ टेंट एंड कैंप लगा हुआ है। और लेफ्ट साइड में है सेल्फ कैटरिंग कॉटेजेस। तो हम लोगों ने सेल्फ कैटरिंग कॉटेज ही बुक किया, और यहाँ पे हम लोग रहेंगे 2 nights एंड टुमारो होल डे। Chakravarti, C-H-A. Can you find me? C-H-A-K. Yeah. तो ये मैनेजर है लगता है, तो वो हमें दिखाने के लिए ले जा रहा है हमारा रूम्स वगैरह। और इस साइड में आप देखो कितनी खूबसूरत नज़ारा है, एकदम पीसफुल। Thank you. And the parking will be then. You can unload from here. You can park here and unload. Yeah. Once you've unloaded, you can either park up on top there. Yeah. Or down in the main car park. Perfect. Okay. Thank you very much.
तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ हम लोग नेक्स्ट 2 दिन कहाँ पे रहेंगे। तो ये एक जो जगह है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी तरह से इन लोगों ने बनाया, बहुत ही कॉम्पैक्ट, एक ही रूम है लेकिन सब अलग अलग डिपार्टमेंट इन लोगों ने बनाया। तो ये है छोटा सा किचन, यहाँ पे फ्रिज, फ्रीज़र, माइक्रोवेन सब कुछ है, ओवन। ये छोटा सा डाइनिंग टेबल भी डाला इन लोगों ने, 2 सिंगल बेड मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है जो है अरिक एंड अरीना के लिए, और एक डबल बेड है वो हमारे लिए। लेफ्ट साइड में है एक काउच, एंड देन विंडो, बहुत बड़ा विंडो है जहाँ से व्यू एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो एकदम शांत एनवायरनमेंट है, छुट्टियाँ मनाने के लिए एकदम परफेक्ट, मुझे बहुत पसंद आया ये जगह। और साइड में टॉयलेट भी है, शावर, तो बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने सब कुछ अरेंज किया एक ही रूम में। अभी शाम को 6 बजे है, थोड़ा स्नैक्स खा लिए और फ्रेश हो गए हम। अभी हम लोग निकले हैं आजू बाजू थोड़ा घूमने, देखने के लिए क्या है यहाँ पे। ये पूरा कैंप साइट है, आप देखो पूरा नज़ारा यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। सारे पिकनिक टेबल लगा हुआ है, कैंप में बहुत सारे लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। मैक्सिमम कैंप के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे तरह 2-3 ही पार्टी है जो रूम में रह रहे हैं। वाव, तो ये है हमारा एकोमोडेशन जिसका नाम है द बो रिग। तो यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, कैंपिंग, मोटर होम्स, कैरावैंस, एक कैफे भी है, रेस्टोरेंट भी है। आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है, लाइक अगर आप डिनर या लंच चाहो तो आपको पहले बताना पड़ेगा। तो यहाँ का जो खाने का सिस्टम है, रेस्टोरेंट में अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हो, अगर रेस्टोरेंट से आप खाना चाहते हो, ये लोग 3 times ही फूड्स ऑफर करते हैं, लेकिन आपको प्री बुक करना पड़ेगा। जैसे अगर यू वांट ब्रेकफास्ट फॉर टुमारो, यू हैव टू ऑर्डर बाय टुनाइट। डिनर के लिए बाय आफ्टरनून आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं आपको रेस्टोरेंट का एक झलक दिखा देती हूँ। तो ये है मेन रेस्टोरेंट, यहाँ पे ड्रिंक्स भी मिलता है और फूड भी मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और ये कैंप साइट को हम पीछे छोड़ के रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में एक फील्ड जैसा जगह है, वहाँ पे आ गए। और वहाँ पे आके लग रहा है कि इस पूरे दुनिया में हम अकेले ही है, इतनी शांत जगह है। और उसका नज़ारा देखो आप, वाओ। Memories.
तो ये है मेन गेट फॉर कैंप साइट। तो हम लोग अभी कैंप साइट के ओर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। ये मेनली कैंप एरिया ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। ज़्यादा सेल्फ कैटरिंग ज़्यादा नहीं है, 2-3 कॉटेजेस ही है यहाँ पे। और समर में कैंपिंग करने का तो मज़ा ही अलग होता है। Well done. Go on. Oh, I need help. You wanna go? You can do it, Mom. I will help you. No, thank you. तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस जगह का पूरा 360 डिग्री व्यू। इतनी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नज़ारा। वो पीछे पहाड़ की एक वैली दिखाई दे रहा है, फिर शाम के टाइम पे सनसेट हो रहा है, और पीछे से फॉरेस्ट जो है वहाँ से बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो सब मिला के ना एक इतनी खूबसूरत एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट तैयार हो गया कि जैसे हम लोग जैसे ट्रैवल करके आए 7-8 आवर्स, सारी थकान जैसे दूर हो गई हमारी। एकदम परफेक्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। मैं अभी अमित को बता रही थी, मुझे तो मेडिटेशन करने का मन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग बैक टू आवर कॉटेज नाउ। इज डिनर टाइम। तो आज के मेनू जो है वो है चिकन पनीर एंड फ्राइड राइस। तो चलिए मिलते हैं डिनर टेबल पे। दोस्तों, मैं तो आपको मेनू दिखा चुकी हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये हम यहाँ पे आके ये सारा खाना हमको कौन बना के दिया? यहाँ पे हम लोग यहाँ से लाए, टेक अवे लाए। आपका क्या राय है? मैं आपको राज बताती हूँ। हम लोग घर से बना के लाए हैं ये। आज कल रात को मैं ये पनीर चिकन बना के लाई और आज सुबह मैंने ये फ्राइड राइस बनाई। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि खाना बना के लाते हैं, क्योंकि जिस दिन हम आते हैं बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो रात का डिनर हम हमेशा ही घर से बना के लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आज इतना सारा आइटम है, किसी ने हमें बना के नहीं दिया और हम लोग टेक अवे भी नहीं लाए। कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है आजू बाजू में, तो आज पूरा इंडियन फूड हम लोग खा रहे हैं रात के डिनर में। कल से शायद ये नसीब ना हो, कुछ दिन हम लोगों को बाहर का खाना खाना पड़ेगा। तो आज हम लोग डिनर करते हैं। अरी अरीना, प्लीज कम।
friends, we have just finished our dinner. Tomorrow we will go for a day trip. तो मैं कल का वीडियो में आपको दिखाऊंगी हम लोग कहाँ पे गए. आज का वीडियो बस इतना ही. मैं फिर मिलूंगी आपसे. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर.